ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कभी भी किसी ने आपका कुछ भी बुरा किया हो, या तो पीछे भूतकाल में किसी ने आपका बुरा किया हो, आपका चाहे धन ले लिया हो, चाहे आपकी ज़मीन ले ली हो, चाहे आपके साथ छल कपट धोखा किया हो, चाहे आपकी अच्छाई का मिसयूज़ किया हो, कोई भी किसी प्रकार से कभी भी आपके साथ किसी ने भी अगर बुरा किया है, तो मेरा ये वीडियो आपको देखना चाहिए। आप इसे देखेंगे तो आप समझ आ जाएगा कि अगर किसी ने आपका बुरा किया उसके साथ क्या होने वाला है, और उसके लिए एक मंत्र मैं बताऊंगा, जिस मंत्र को आप समझ लेंगे तो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। जब भी कोई हमारा मन दुखाता है या जब भी हमारे साथ कोई छल कपट करता है, तो हम उसे सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत दिल से साफ हैं और निर्मल हैं, और हमेशा हम कभी भी किसी का भला ही चाहते हैं। और उस भले होने की वजह से, या ऐसे कह सकते हैं कि दया ही दुख का कारण है, वो हम कई बार एग्जाम्पल देख चुके हैं और आपने इसको महसूस भी किया है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति ने एक अच्छे इंसान के साथ छल कपट या धोखा किया है, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता है। ये बात किताबी नहीं है, ये बात बिल्कुल फैक्ट की बात है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे अपने जीवन में, और कई सारे जातकों से मेरी बात भी होती है। वो लोग जो लोग आपके साथ छल कपट या इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे, वो कभी खुश नहीं रह सकते। उन्हें बर्बाद होना तय ही है, ये बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा दें। उससे आप कभी भी परेशान ना हो, उस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लें। जो भी चीज़ें हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है। उन्होंने जो छल कपट दिया, उन्होंने आपकी ईमानदारी का, आपकी प्राकृतिकता का मिसयूज़ किया, उन्हें प्रकृति जरूर एक परिणाम देगी और उन्हें वो भुगतना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा अपने आप को समझा लें। दूसरी बात होती है कि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन में हम नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उन्होंने जो बुरा किया वो तो किया ही से, लेकिन हम मन रूप से, मानसिक रूप से और ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हमें पीड़ित नहीं होना है, उस चीज़ को उस हाल पर छोड़कर आगे बढ़ना है। बी पॉजिटिव, अपनी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। अब मंत्र की मैं बात कहूँ कि जो मंत्र सबसे कारगर है, उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिख दे। और साथ ही साथ एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि जब भी कोई आपका छल कपट या बुरा करे, तो आप अपने मन में कंटिन्यू अपने गुरु मंत्र का जाप करें। नहीं है गुरु मंत्र तो महामृत्युंजय मंत्र का कंटिन्यू जाप करें। उसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।